वेलकम बैक टू माय चैनल सोनम पांडे ब्लॉग। मैं आप सभी का स्वागत है। और कंटिन्यू कर रहे हैं देर बैठे हैं मेट्रो, ये मेट्रो स्टेशन है ना, शायद मेट्रो स्टेशन के पास बैठे हैं। और रात का समय हो रहा है, अभी बज रहे हैं 9। अचानक से क्या हो गया, कहीं जाना पड़ रहा है इतनी रात को, आप लोगों को बताऊँगी, जरूर बताऊँगी आप लोगों को। ये देखो ये पापा को अपने परेशान कर रहा है। ये मेट्रो है, हाँ चिप तो ये इसमें रखी है, पापा बैठे हैं। नौजवान फौजी नौजवान, इसको देखो ये खाने में लगा हुआ है। क्या बताऊँ भाई, बहुत बुरी खबर है। कहना पड़ रहा है, कहना नहीं चाहिए। माई नानी बहुत बीमार थी, अभी जो हम गए थे एकदम सही थे, दो तीन दिन से उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, अचानक से उनकी डेथ हो गई थी। तो शाम को मुझे कॉल आया 4:30 के करीब में, ये ऑफिस में थी, तो मम्मी का कॉल आया, भाभी का कॉल आया, तो बताई तो अभी ये ऑफिस से आए थे। उसके बाद इमरजेंसी में इतनी जल्दी टिकट होना मुश्किल हो जाता है, तो बस का टिकट की 9:30 पे आएगी। उसके बाद हम लोग जाएंगे घर, क्योंकि सुबह उनका अंतिम संस्कार कर देंगे। तो मम्मी कहा कि हम देख ही नहीं पाएंगे, तो जाने का क्या मतलब होगा। तो क्या बताएं, बहुत ज़्यादा परेशान है यहाँ ये लोग, खाने में लगे हुए हैं। हमने सोचा नहीं था कि माई नानी इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। वैसे बुजुर्ग तो हो गई थी, लेकिन जब हम गए थे तो एकदम ठंड थी, मतलब बातचीत करने में चल फिर रही थी सब कुछ अच्छे से। अचानक से उनके सीने में दर्द हुआ, क्या हुआ कैसे हुआ, ख़त्म हो गई। मम्मी से हाल चाल मिली थी तो बोली सही है एक दिन पहले, और आज जब शाम को कॉल करके बताई थी मुझे बहुत, मतलब मैं शॉक रह गई कि इतनी जल्दी कैसे क्या हो गया। क्या करूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, ब्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा है। जल्दी बस यही बन कर रहा है, बस जल्दी से पहुंच जाए। तो अभी शाम रात में अभी बैठेंगे, और देखो कितने बजे तक उतारती हूँ बस, और 9 बजे तक शायद अंतिम संस्कार का प्लान है। देखो 9 के पहले शायद पहुंच जाऊँ, 9 के पहले पहुंच जाओ। हाँ कह तो रहे हैं, मेरे सर बहुत दुख रहा है, इतना ज़्यादा दुख रहा है कि क्या बताऊँ, क्योंकि जब आपसे आँखें निकलते हैं तो मेरा सर भी दुखने लगता है।